हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। उससे पहले मैं आपसे इतना ही बताना चाहूँगा कि मैंने अभी लास्ट 2 to 3 days में जितनी भी वैकेंसी डाली है, थोड़ा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि उन पे जाके अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। आप लास्ट की 10 वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, 6 से 7 पे रिप्लाई ज़रूर आएगा। दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसे ही हवा में आपके सामने कोई बात नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ ऑथेंटिसिटी, कुछ सच में होती है, तभी मैं आपके सामने लाता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि अगर जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल, जो आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही कारगर रहने वाला है ऑलवेज़, दोस्तों उस पर फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नोटिफिकेशन सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे ज़्यादा आपके पास पहुंचता है। आज की रिक्रूटमेंट जिन जिन के लिए है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यही ब्रांच के लिए है। अदरवाइज़ कोई और ब्रांच से रिलेटेड है तो वो अभी वीडियो को स्किप करके जा सकता है, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। जी हाँ, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, और ये जो रहने वाली है, ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, सभी के बारे में बात करेंगे। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो कि मैं आपको पूरी ऑथेंटिसिटी, पूरे कागजात के साथ ये दिखाऊंगा। इसमें कोई फीस नहीं है, नो फीस, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा है। अगर बात कर लेते हैं टेंटेटिव वैकेंसी की, टेंटेटिव वैकेंसी जो है 4000 से लेके प्लस 5000 के बीच में है। पैन इंडिया में हायरिंग रहेगी, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। इसके साथ साथ यहाँ सिर्फ बीटेक वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। टाटा डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि डिप्लोमा वालों को यहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा, सिर्फ बीटेक वाले ही अप्लाई करें। अब ये टाटा मोटर 2022 के अंडर आई है, रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी है, इसकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसको देख लेते हैं। इसका कैसे अप्लाई करना है, ये इसमें एक हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा डायरेक्ट, आप देख रहे होंगे टाटा हायरिंग ड्राइव फॉर पुणे 10th December। दोस्तों, इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि किस किस के लिए आई है। देखिए, वी आर रिक्रूटिंग, दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोल दिया है रिक्रूट कर रहे हैं ये डायरेक्टली। इसके साथ साथ यहाँ फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, बट फ्रेशर को कैसे अप्लाई करना है उनके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ये जो है ये सीनियर मैनेजर पावर बी, इसमें क्या मांगा है, बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, 8 से 9 साल का। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सीनियर मैनेजर वेयरहाउस, DGM, डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसमें क्या मांगा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इसके साथ साथ DGM इंजन ओनली, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा इन्होंने डाटा मांगा है। इसी के साथ साथ DGM प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसी के साथ साथ DGM, और इनमें एक्सपीरियंस का अगर आप जान लेंगे, एक्सपीरियंस इसमें कुछ जगह तो 3 years का एक्सपीरियंस भी है। अब आप बोलेंगे क्या सिविल वाले एलिजिबल है, जी हाँ, आपने कहेंगे सीनियर मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनर, और दोस्तों BE और मास्टर सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आपने BE कर रखा हो या फिर मास्टर्स कर रखी है। इन्होंने नीचे लिखा है, यहाँ लिंक की जगह क्लिक हेयर टू अप्लाई की जगह, कि अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तब भी आप अप्लाई करते जाए, अगर रिक्रूटमेंट बचती है तो आपके लिए जरूर दी जाएगी। इसके साथ साथ इनकी लोकेशन कहाँ रहने वाली है, दोस्तों लोकेशन पैन इंडिया में रहेगी, इंडिया के कोने में कहीं से भी, तो ये इन्होंने दे भी दी है सनत पंतनगर, मुंबई, जमशेदपुर, ऐसे करके इन्होंने पूरी इंडिया की दे दी है। इसको अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अप्लाई लिंक करने का, देखिए आपका सिलेक्शन जो किसी वजह से नहीं हो पाता, टोटल मिला के 4 तरीके होते हैं, 4 steps होते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फर्स्ट होता है आपका बायोडाटा, सेकंड होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड होता है आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका बैकअप, और फोर्थ होता है आपका पेशेंस लेवल और किस्मत। देखिए, फर्स्ट वाला आदमी दूर कर सकता है बायोडाटा को, सेकंड को कम्युनिकेशन स्किल को तभी पूरा करेंगे जब आप अपने मुंह से या फिर अपने दिमाग से कुछ किसी को उल्टा बोलना है, गंदा बोलना बंद करेंगे। थर्ड जो है आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं होता है भाई स्टार्टिंग में, तो सभी फ्रेशर ही होते हैं, तो एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चौथा जो है ये आ गया आपकी किस्मत, इस पे तो किसी का कोई जोर नहीं है, कब आदमी रंक से राजा बन जाए और कब राजा से रंक बन जाए, इसलिए कोई पता नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इन्होंने जो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव निकली है, इसको इसके सामने मैं लेके आ गया हूँ। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, और ये जो इन्होंने बोला है कि 30 मिनट का एक जो है फॉर्म रहे
रहेगा, इसको 30 मिनट्स के अंडर ही आपको कंप्लीट करना है जब भी आप इसको फॉर्म को सबमिट करने जाए। और इसको डायरेक्टली प्लीज प्रिपेयर बिफोर यू बिगन टू हेल्प मैनेज एंड सबमिशन। तो इन्होंने बोला है कि अब मैं आपको कुछ इसके छोटे छोटे से स्टेप बताऊंगा जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप किस पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, साइड में आपका टाइम लाइन भी चलता रहेगा। दोस्तों आप जिस भी पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप सिविल से हैं, और यहाँ इनडायरेक्टली देखिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है, मतलब सीएसआईटी वाले भी एलिजिबल है और आईटी ये सभी एलिजिबल है। अभी टूल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, ऐसे ऐसे सभी एलिजिबल है। इसके साथ साथ कैंडिडेट नेम जो है अपना कैपिटल में ही लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल नंबर आपको मैंशन कर देना है। इसके साथ साथ आपको ईमेल आईडी पूरी प्रॉपर मेंशन करनी है। ईमेल आईडी के साथ साथ अपना जेंडर जो भी आपका है, आप मेल हैं फीमेल हैं, ये मेंशन करना है। पास्ट ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये मैटर करता है, ये उनके लिए मैटर करता है जो एक्सपीरियंस्ड है, बट जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैटर नहीं करता। यहाँ फ्रेशर्स लिख सकते के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर जो एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो तो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो मेंशन कर ही देंगे, बट जो फ्रेशर हैं वो यहाँ फ्रेशर ही मेंशन करके आगे बढ़े। अब ये करंट सीटीसी क्या है आपकी, मतलब सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। इस कॉस्ट टू कंपनी का क्या ड्रामा है जी, कंपनी जो होती है कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, नॉन पीएसयू कोई भी हो, वो आपको तीन तरह की सैलरी प्रोवाइड करती है। तीन तरह की सैलरी होती है, सबसे पहले होती है आपकी सीटीसी, सेकंड होती है बेसिक, और थर्ड होती है इन हैंड। अब सीटीसी क्या होती है, सीटीसी वो होती है जिसमें कंपनी आपको ऑल अलाउंसेस प्रोवाइड करे, मतलब उसमें आपका पीएफ भी आ गया, उसमें आपकी ग्रेजुएटी ये भी आ गई, उसमें आपका बोनस भी आ गया, व्हाटएवर जो भी है। बेसिक क्या होता है, बेसिक में होता है आपका सैलरी प्लस डिडक्शंस जो आप अपने पास से करवाते हैं, लाइक पीएफ हो गया या फिर मेडिकल हो गए जो आप करवाते हैं। इसके अलावा थर्ड हो गया इन हैंड, जो इन दोनों में से कट के जो मिलता है उसको बोलते हैं इन हैंड। तो आप जो है सीटीसी ही लिखिएगा जो आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी है वो। करंट डेजिग्नेशन, दोस्तों करंट डेजिग्नेशन में अगर आप डीईटी है, मतलब आप फ्रेशर हैं, तो डीईटी और जीईटी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक्सपीरियंस है तो यहाँ इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर जो आप लिख सकते हैं वो लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने बोला है कि आपकी 60 इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है 60% से कम नहीं होने चाहिए। वो क्राइटेरिया तो आज के टाइम में बहुत जगह वैलिड होता है, इसीलिए यहाँ भी वैलिड है, तो आप देख लीजिएगा इसको। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रीम भी इन्होंने पूछी है, कौन सी स्ट्रीम है, मतलब इंजीनियरिंग की कौन से बैकग्राउंड से आप आते हैं, आप मैकेनिकल से आते हैं, आप इलेक्ट्रिकल से आते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं, ये इन्होंने पूछा है, या फिर अदर्स से आते हैं, मतलब सिविल से आते हैं, आप सीएस से आते हैं, आप आईटी से आते हैं, आप मेटलर्जी जो भी है आप मेंशन कर दीजिएगा। करंट लोकेशन आपकी क्या है, दोस्तों इसमें मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि नियर बाय अपना सिटी का नाम डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पोस्टिंग रहेगी पूना में, क्या आप रिलोकेट हो सकते हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा, येस ही कीजिएगा तभी बेनिफिट है। इसके साथ साथ हैव यू क्लियर योर एसएससी इन वन अटेम्प्ट, आप अपना 10th का एक ही बारी में अटेम्प्ट किया, तो यस कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा या एचएससी किया है तो यस ही कीजिएगा कि एक ही बारी में अटेम्प्ट किया। इसके साथ साथ बीई बीटेक भी आपने एक ही में किया, ठीक है। उसके साथ साथ टोटल वर्क एक्सपीरियंस या मेंशन कर दीजिएगा, आपका ऑटो एईएम इंडस्ट्री में कितना रहा है, नोटिस पीरियड आपका क्या है, वैसे 15 डेज ही मेंशन कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों ये जो है 10th दिसंबर को आप ये पूछ रहे हैं कि आप अवेलेबल हो सकते हैं, देखिए जो पुणे के आसपास हो वो तो जरूर जाइएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, बट अगर पुणे के आसपास नहीं है तो आप जो है क्या कीजिएगा कि इस पर नो कर दीजिएगा, जो रियलिटी है उस पर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप COVID-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ले चुके हैं, यस ले चुके हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और मेरे हिसाब से नहीं भी लिया हो भाई यस ही कर देना, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मेरी वेबसाइट पर, वेबसाइट के साथ साथ मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ मिलेगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में कहीं से भी जाके देख सकते हैं। और जो अब मैंने आपको पहले लिंक्डइन पेज पे दिखाया वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज विद यू, बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वैकेंसी को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। तो अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।